ट्रिप की सबसे अच्छी बात क्या है? घटिया चाय। तो भाई खुशी का माहौल। तो भाई कट चुकी है अपनी बहुत गंदी वाली कटी। वहां गया से औरंगाबाद के लिए बस पकड़नी पड़ेगी। और भाई लोग क्या हाल चाल, सब बढ़िया? सो गाइज, मैं लखीसराय से औरंगाबाद आ गया था 2 दिन पहले। और मैं बस में ट्रेवल करने के बाद मेरी तबीयत थोड़ी डाउन हो जाती है। इस बार तो फुल्ली मतलब शट डाउन हो गया था। शट डाउन होने का मतलब वोमिटिंग, हेडेक, स्टोमक पेन सब एक साथ हो गया था। तो जस्ट मैं यहाँ मम्मी के पास पहुँचा तो 1 घंटे तो ऐसे रेस्ट करता रहा, वोमिटिंग तो हो नहीं रही थी। देन 1 घंटे के बाद वोमिटिंग हुई। वोमिटिंग होने के बाद भाई बहुत अच्छे से नींद आई और सुबह मैं 3 बजे ही उठ गया था। और देन अभी 2 दिनों के बाद मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। और अभी हम लोग निकल रहे हैं घर के लिए, मतलब मींस हम निकल रहे हैं, मैं और मम्मी दोनों साथ निकलेंगे। अभी 9 बजे बस है यहाँ से पटना के लिए। सो गाइज, प्लान में मेजर चेंज फिर से, मम्मी नहीं जा रही है, कैंसिल हो गया मम्मी का जाना। मेरे पीछे में बहुत लोग हैं, वो सब देख रहे हैं कि वीडियो बना रहे हैं। उन लोगों को पता भी नहीं चल रहा हम क्या कर रहे हैं। सो बहुत देर वेट करने के बाद अब जाके ट्रेन आ रही है अप्रॉक्स 2 घंटे के बाद। सो फाइनली गाइज, अभी के बज गए 4 और अभी हम पहुंच चुके हैं पटना। गुरुमुखी और विक्रमशिला दोनों की टाइमिंग बहुत सेम है। यहाँ खुलने की भी टाइमिंग 5:30 बजे है और वहाँ केवल पहुँचने की टाइमिंग भी हमें 8 बजे। पर हाल फिलहाल गुरुमुखी अभी जीत रही है रेस और देखते हैं सबसे पहले कौन आती है। अभी अपने पास बहुत टाइम है तो चलते हैं चाय पियेंगे। घटिया चाय, वो ना तो बेकार चाय बनाया था गाइस, मेरे से भी खराब बनाया वो। पता है इस ट्रिप की सबसे अच्छी बात क्या है? गेस करो गाइस, वोमिटिंग नहीं हुई बस पे चढ़ने के बाद भी। हाँ मालूम है, शॉर्ट इंटरवल के लिए बस पे चढ़ा था तो मे भी शायद उसकी वजह से वोमिटिंग ना हुआ हो। और टाइम हो गया, अब देखते हैं कौन सी ट्रेन जीत रही है, वो देखना है। कितना एक्साइटमेंट है गाइस, दोनों का टाइमिंग बिल्कुल परफेक्ट है, 1-2 मिनट का डिफरेंस है दोनों में। क्या डिफरेंस है ना, विक्रम फिलहाल हर एक स्टॉप पर रुकती जाएगी और गुरुमुखी में क्या है, एक बार पटना से जब खुलेगी डायरेक्ट फ्यूल में ही रुकेगी वो। गुरुमुखी पहले आ गई और ये विजेता घोषित किया जाता है इस ट्रेन को। और अभी इसमें बहुत ज़्यादा भीड़ है तो इसमें हम नहीं चलने वाले हैं विक्रम। देखो मेरे साथ प्रॉब्लम क्या है, कल रात में मम्मी मना कर दी साथ में आने से और अभी सुबह सुबह एक एक्सीडेंट हो गया यहाँ पे, डेथ कर गया वो। साला दुख काहे नहीं खत्म होता है अभी। चलो कोई बात नहीं, अभी घर पहुँच गया और टिकट बुक करते हैं 11 बजे। तो भाई खुशी का माहौल, टिकट कंफर्म हो गया है। टिकट का वेट करते करते यार हालत ख़राब हो गई थी, थोड़ी मेरी तबीयत भी डाउन हो गई थी कल और अभी थोड़ा मतलब अच्छा लग रहा है। पर सबसे अच्छी बात है टिकट कंफर्म हो गई, अब मज़े से जाना पड़ेगा। वाह, नहीं तो सच में बहुत हालत ख़राब हो जाती यार जनरल। सो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं अभी नेक्स्ट ब्लॉग में, वो स्टार्ट मतलब न्यू ब्लॉग स्टार्ट करते हैं फिर। और तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू, बाय, जय हिंद।